मुजफ्फरनगर में से बिजली कर्मचारियों ने वेतन के लिए माहवार में से कटौती तरीके के लिए DHFL के कंपनी के लिए ट्रस्ट में से जमा करने का आज वह टाउन हॉल में से सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने विद्रोह प्रदर्शन किया है। वही कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ये कंपनी पैसे लेकर भाग गई है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वही वह प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम 18 और 19 नवंबर को हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में से सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने DM कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का। हमारे यहाँ GPF और CPF का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश गवर्नमेंट की भी मौन स्वीकृति है, लेकिन अब प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत काम करा। हमारे चेयरमैन साहब को उठाया, MD साहब को उठाया, एक MD साहब गिरफ्तार हुए, उसमें वो प्रयासरत हैं, लेकिन हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा GPF CPF का पैसा वापस मिले। हम लोगों पे यही एक रोजी रोटी का जरिया है, आदमी इतना नहीं बचा पाता। RDM कार्यालय है क्या? RDM कार्यालय में आए हैं। अब DM साहब को हमने अपने सब संगठनों ने संगठित होके कार्यालय ज्ञापन दिया। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे और उन्हें पता लगे कि हमारे साथ क्या हुआ। अब 18-19 तारीख में इसका 48 घंटों का कार्य बहिष्कार है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी आगे उस हिसाब से जैसे संगठन के पदाधिकारी निर्देश देंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। इसमें 143 देशों के संगठन हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारी संख्या इतनी प्रबल होगी, कल लखनऊ में इतना शक्ति प्रदर्शन हुआ, बुलंदशहर वालों ने झोटे की रैली निकाल ली, झोटे पे नाम लिख के निकाल ली, हर प्रदेश में बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? जनपद हमारी मंशा पब्लिक को परेशान करने की नहीं है, हम केवल अपना मांग रख रहे, अपने जो हमारे फंड है उसके रिलीज करने के लिए सिर्फ वो कर रहे। हमारा देय पब्लिक से भी यही है, हमारी एक अपील है पब्लिक से भी कि वो लोग हमारे साथ आवे हमारे आंदोलन में। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।